This is me, Aaron Rajput, and I'm the co-founder of Our Coding Freak YouTube channel. So, आज हम Python के बारे में और जानेंगे. चलो फिर guys, time waste नहीं करते हैं ज़्यादा. आज हम print x समझेंगे, variable समझेंगे, basic operation, एक basic calculator project बनाएंगे और if else condition समझेंगे. Variables क्या होते हैं? Variables एक container की तरह होते हैं जो हमारी information को hold करते हैं. चार टाइप के वेरिएबल को कवर करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड करैक्टर. ये बताऊंगा कौन कौन सी अलग अलग, क्योंकि हर एक वेरिएबल अलग अलग इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है. ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं देने वाला हूँ. ठीक, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, नॉट गुड, सेव नहीं हो पाती है. चलो फिर गाइस, बेसिक ऑपरेशंस पाइथन में जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और आप वेरिएबल का एग्जांपल है, एक फ्रूट बास्केट को वेरिएबल मानो, उसके अंदर फ्रूट्स रखे हैं, वो लिटरल होगा या फिर वैल्यू होगा, है ना. तो बेसिक ऑपरेशंस पाइथन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सब हो गए. इफ एल्स कंडीशन हमारी एक गिवन कंडीशन के ट्रू पार्ट को और फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो अगर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. चलो गाइस, आ जाओ एक न्यू टैब में आ जाओ, बाकी टैब्स को क्लोज कर दो. नई टैब में आके आपको सर्च करना है गूगल कोलैब. गूगल कोलैब का सर्च, गूगल कोलैब सर्च करना है. नीचे आ जाना थोड़ा सा, कोलैब डॉट गूगल करके दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है. जैसे ही आ जाएगा ऊपर एक बटन दिखेगा ओपन कोलैब का, इस पर क्लिक कर देना और ये कोलैब डॉट गूगल वाली टैब को क्लोज कर देना. फिर आपको एक नोटबुक, वैसे न्यू, यहाँ आपको एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिख रहा है ना, लॉग इन कर लेना, न्यू नोटबुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है. लेकिन मेरी बहुत सारी नोटबुक्स बन रखी हैं, बहुत बारी सारी नोटबुक बना रखे रखी है मैंने, तो इसलिए मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं अपनी पुरानी वाली ही पे जा रहा हूँ. ठीक है, या फिर मैं भी न्यू क्रिएट करता हूँ. चलो फिर मैं न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, दोबारा से न्यू क्रिएट कर लेता है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखने वाला मैं, बहुत छोटी सी वीडियो रखूंगा इसको मैं. चलो सबसे पहले लोड हो रहे हैं, तो अभी आ चुका है सब. चलो फिर ये होते हैं हमारे पाइथन सेल, इनको बोलते हैं हम पाइथन सेल. दिस इज वेयर वी विल राइट पाइथन कोड्स. यही जगह है जहां हम अपने पाइथन कोड्स को लिखेंगे. अब यहाँ जैसे प्रिंट कराते हैं, अब हम वी विल प्रिंट कराते हैं दिस इज आर्यन. हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस इज कृष्णा लिखते हैं. चलो कृष्णा फर्स्ट पाइथन क्लास. कृष्णा एक टॉप कोडर हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला है आउटकोडिंग सीखे की तरफ से, सर्टिफाइड विद द साइन ऑफ द भावेश खंडेलवाल. ठीक है, प्रिंट और कुछ भी प्रिंट करवाते हैं. चलो और भी प्रिंट करवाएं, और प्रिंट करवाते हैं. हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, है ना. अब रन करते हैं इसको. इसके बाद हम प्रिंटिंग समझ गए, दो चीजें प्रिंट कराई हमने, आप और चीजें प्रिंट करा सकते हो. अब हम प्रिंटिंग समझ चुके हैं, देखो रिजल्ट आ चुका है ना. दिस इज कृष्णास फर्स्ट पाइथन क्लास और हेलो वर्ल्ड. अब हम प्रिंटिंग समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लर्न टू क्रिएट वेरिएबल्स. ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये कंप्यूटर नहीं समझता, यूजर को कोड को अंडरस्टैंड कराने के लिए होता है. कमेंट्स बोलते हैं इनको. सम वैल्यूज, यूज टू स्टोर सम वैल्यूज. कौन कौन सी वैल्यूज बताई थी मैंने? इंटी
integer, float, string, character. Okay? आ जाओ. अब हम वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे. ये हमारे कुछ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है. इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं. जैसे मानो एज, तो एज मैंने एक वेरिएबल बना दिया है. अब इसकी वैल्यूज लिटरल फिट कर दी हमने. जैसे मान लो किसी की एज है 11, तो ये क्या है, जो नंबर्स होते हैं ना वो इंटीजर होते हैं. जो नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है. दिस इज अन इंटीजर. अब हम यहाँ फिट सेट करते हैं नेम. नाम डाल देते हैं मेरा, आर्यन मेरा नाम आ गया. नेम जो होता है ना वो होता है स्ट्रिंग. नेम जो होता है वो होता है स्ट्रिंग. अब यहाँ हम ग्रेड डालते हैं इन मैथ्स. अब ग्रेड डाल दो जैसे ए. सो ये क्या है, दिस इज सॉरी दिस इज ए, क्या है ये करेक्टर, दिस इज अ करेक्टर. अब यहाँ हाइट डालते हैं, तो हाइट 1.73 डाल दीजिए, है ना. तो ये क्या है, दिस इज अपलोड. ओके, आ गई बस समझ में. आप प्रिंट कराते, चलो प्रिंट नेम ऑफ दी. अब मैं बता देता हूँ पहले क्या करेगा. तो करेगा क्या ये, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये करेगा क्या. देखो ये नेम प्रिंट कर देगा स्टूडेंट का. बस इसको वेरिएबल डिफाइन करा ना हमने. अभी हमने क्या डिफाइन करा, वेरिएबल डिफाइन करा, है ना. अब हमने वेरिएबल को डिफाइन करा है. सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिफाइन करना सीख लिया है. तो ऐसे ही अब यहाँ हमें इसको उसका रिजल्ट भी तो चाहिए. वेरिएबल डिफाइन करने से उसका उसमें आउटपुट निकाल रहे हैं ना हम. देखो इनपुट दे दिया हमने, तो अब यहाँ एज बता देगा मेरी. अब ये हाइट बता देगा, नेम बता देगा, ग्रेड बता देगा. बस उसको आपको वेरिएबल देना है. देखो वेरिएबल ग्रेड इन मैथ्स का वेरिएबल है ग्रेड इन मैथ, तो उसका लिटरल जो है वो ए है. ऐसे बताएगा ये, बस उसको उसको वेरिएबल देना है. और यहाँ आपको कैसे करना है, प्रिंट जैसे करते हो सिंपल बेसिकली प्रिंट जैसे करते हो वैसे करना है. उसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख देना है, या जो भी आप कुछ भी वेरिएबल के हिसाब से जो भी लिखना है आपको वो. फिर उसके बाद आपको ऐसे डॉट लगा देनी है यहाँ, और यहाँ एक कॉलम्स के बाद आपको एक कॉमा लगाना है. उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देना है स्पेस डाल के, बस हो जाएगा. फिर ऐसी नेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं. क्या प्रिंट कराएं, ग्रेड ग्रेड इन मैथ्स. हाँ ये ऐसे नहीं लिखना. एज ऑफ द स्टूडेंट, एज प्रिंट करवा देते हैं, है ना. ठीक है, वेरिएबल दे दिया, एंटर. ग्रेड प्रिंट करवा देते हैं, कॉमा लगा के ग्रेड इन मैथ्स हो गया. चलो अब इसको रन करते हैं. एरर कहाँ आया, ओके जस्ट अ सेकेंड. अब देखो क्या, एक मिनट दोबारा से, एक मिनट दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको. इसमें कुछ एरर आया है. ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ठीक है.
चलो अब प्रिंट कर, अब वो करते रन, ठीक है हो गया ना। नेम ऑफ द स्टूडेंट आ रहे हैं, एज ऑफ द स्टूडेंट 11 और ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट 8। चलो फिर आ जाओ स्टूडेंट इन मैथ्स, भी लिखना था ऐसे, छोड़ो ऐसे हो गया ना। अब देखो, अब हमने वेरिएबल्स बनाना सीखा, सीख लिया वेरिएबल्स बनाना, अब हम सीखेंगे ऑपरेशंस वेरिएबल के साथ, ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स। अब हम ये सीखेंगे तो एडिशन, इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन हो गई, डिवाइड हो गए, मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक। अब जैसे मानो हम पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, नंबर वन है हमारा क्या 70, ये क्या है एक इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल लिखते हैं, इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। नंबर टू ले लेते हैं हम 73, तो हम यहाँ लिख देंगे ये भी इंटीजर वेरिएबल है ना, ये कमेंट्स आपको जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, ठीक। फिर अभी हम इसका सम दिखाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस का साइन लगा दो नंबर टू, ठीक। प्रिंट, फिर ऐसे लिखोगे आप प्रिंट सम ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू, ठीक है। नंबर टू इज करे, ओ हाँ अभी आता नहीं क्योंकि हमने इसका वेरिएबल नेम नहीं दिया, अब रन करें इसको देखो सम आएगा, आ गया 153 है ना, आया ना। सो ऐसे अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रिंट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर टू माइनस नंबर वन विल बी, है ना। तो इसको प्रिंट करते हैं अब, एरर आता, अभी एरर आता, रुको। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट, पहले वेरिएबल डिफाइन कर लें, वेरिएबल डिफाइन करना भूल गए ना, वेरिएबल नहीं डिफाइन करा हमने, सब्ट्रैक्ट नंबर टू माइनस नंबर, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट नंबर टू माइनस नंबर वन, अब इसको करें रन, अब सी यहाँ आ जाएगा 13, आ रहा है ना। सो दैट्स द रीज़न, ओके हाँ हाँ चलो सॉरी हो गया। हाँ ये कॉमा तो लगा रहा हूँ, ठीक है होगा, अच्छा वहाँ है, ओके चलो फिर नेक्स्ट कोड लो। अब
अब हमने ये समझ लिया, अब हम वी कैन ऑल्सो पुट कंडीशंस वी कैन ऑल्सो पुट कंडीशंस ऑन वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अगर किसी का स्कोर ग्रेटर है 70 से, सो देन ही शी हैज परफॉर्म्ड वेल एन एग्जामिनेशन। ओके, अब इसको बनाते, चलो पहले वो बनाते हैं, पहले इसका वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। एग्जाम स्कोर 70 डालते हैं, 70 डालते हैं। हाँ, एग्जाम का स्कोर 70 डाल दिया। अब यहाँ इफ एल्स कंडीशंस का होगा यूज। अगर एग्जाम स्कोर जो है हमारा वो, इफ एग्जाम स्कोर इज then print good performance ठीक है। else print bad ठीक है। अब देखो प्रिंट करते हैं इसको, क्या गड़बड़ आई कहीं, के फिक्स एरर क्यों आ रहा है यहाँ, एल्स वाले में आया है। ठीक है देखो, एक मिनट, 69 ओके 69 डालते हैं अब बैड। ओके चलो, फिर हमने इफ एल्स कंडीशन भी सीखी। अब कैलकुलेटर प्रोजेक्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाएंगे। नहीं, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं बनाना सिखाएंगे। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। कैलकुलेटर प्रोजेक्ट इज ओनली अवेलेबल फॉर पेड स्टूडेंट्स। जिन्होंने पेड करा है, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है, वो ही कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, मतलब कि उनको बनाना सिखाएंगे। ये यूट्यूब वाले बैच में कैलकुलेटर प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे हम, ओके, पेड वाले बैच में बनाएंगे। और अभी कोई ऑफर आएगा कि ACS बर्थडे में, तो उसमें शायद से कैलकुलेटर प्रोजेक्ट हम फ्री 1-to-1 बनाना सिखाएं। ओके, सो दैट्स इट, हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं सारी चीज़ें, प्रिंटिंग, वेरिएबल, बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हमने दो ही चीज़ करी है। ऑपरेशंस में और भी चीज़ कर सकते थे हम, है ना, ऑपरेशन अभी कर ही नहीं, समझो आप तो, है ना। ऑपरेशन में दिखाता हुआ, जस्ट अ सेकेंड, ऑपरेशन दिखाता हूँ मैं। Wait, let me just show the operations to you. कि कैसे कैसे operations करने होते हैं, कैसे करेंगे operation, वो आपको दिखाऊं मैं। Okay, so just a minute.
मैंने एक नोटबुक बनाई है, नोटबुक बना रखी है, उसमें ऑपरेशन करे हैं, सब्ट्रैक्शन के भी करे हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी करे हैं, डिवीजन के भी करे हैं, एडिशन के भी करे हैं, सब के करे हैं उसमें ऑपरेशन। नोटबुक है वो कैलकुलेटर के नाम से, और कैलकुलेटर भी बनाया है एक नोटबुक में पाइथन की हेल्प से, लेकिन वो मैं आपको शो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ACS बर्थडे पे ऑफर आ रहा है कि आपको ये जो पाइथन वाला कोर्स है, कोई भी कोर्स, आपको कोई भी एक कोर्स फ्री मिलेगा शायद से, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन सोचते हैं, अब बता देंगे, वी विल इन्फॉर्म यू ऑन यू। देखो इसमें वो किसमें था वो इसमें है वो, बाकी हाँ बाकी किसी को मैं कैलकुलेटर किसमें बनाया मैंने कैलकुलेटर, इसमें नहीं है कैलकुलेटर, वैसे पता नहीं, वो फाइल भी ढूंढूंगा आज। देखो ये रहा, सी हियर, लर्न टू क्रिएट वेरिएबल्स, सब है इसमें। देखो डिवाइड डिवाइड, देखो है ना, ये ऐसे करना होता है, पहले डिफाइन करो वेरिएबल को, फिर प्रिंट, फिर वो सम, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, और ये डिवीजन का। ओके सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ एवरीवन बाय बाय।